घटिया निर्माण के चलते भरभराकर गिर पड़ी सुलभ शौचालय की दीवार की टाइल्स, नीचे रास्ते में निकलने वाले लोग बाल बाल बचे, नीचे खड़ी गाय घायल, बाड़ी की प्रमुख खबर। सरकारी काम में ठेकेदार द्वारा लापरवाही बरतना और भ्रष्टाचार करना कोई नई बात नहीं है, जिसका खामियाजा आए दिन आम नागरिक भुगतते ही रहते हैं। गत दिवस रोडवेज बस स्टैंड पर बनाए गए सुलभ कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा भरभराकर गिर पड़ा, जिसका सबसे बड़ा कारण निर्माण कार्य में गुणवत्ता का अभाव होना बताया गया। जानकारी के मुताबिक बाड़ी रोडवेज बस स्टैंड पर जो कुछ दिन पहले ही एक सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाया गया था, उसका ऊपरी हिस्सा नीचे गिर गया। गनीमत यह रही कि उस वक्त रास्ता खाली था, जिसके चलते कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन गाय नीचे खड़ी होने के चलते गंभीर घायल हो गई, जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने जमकर ठेकेदार और विभाग को कोसा। सोमवार को हुई दुर्घटना में उक्त सुलभ शौचालय का केवल एक हिस्सा ही गिरा, बाकी का हिस्सा अभी अधर में लटका हुआ है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों एवं दुकानदारों ने शिकायत की कि कुछ दिन बाद यह भी इसी तरह से गिरेगा, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। विभाग से आग्रह है कि उक्त सुलभ शौचालय को तुड़वा कर नए सिरे से उसी ठेकेदार के द्वारा बनवाया जाए, जिसने इस काम में भ्रष्टाचार के चलते लापरवाही बरती, तथा इसका बिल स्वीकृत करने वाले अधिकारियों से इसकी वसूली की जाए। सुलभ कॉम्प्लेक्स गिरने के बाद स्थानीय लोगों ने प्रत्येक काम में ठेकेदारों को बिना किसी गुणवत्ता की जाँच के पेमेंट करना गलत बताया। बाड़ी से प्रमोद मुद्गल की रिपोर्ट। देखिए, ये मामला तो कुछ नहीं है, नगर पालिका का भ्रष्टाचार का मामला आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा है। ये दीवार जिस तरीके से लीपापोती की गई है इसमें, तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से डैमेज है। तो नीचे से सही तरीके से इसमें पिलर नहीं भरा गया है, और ना ही इसमें मिट्टी सीमेंट किसी तरीके से ये मौजूद नहीं है, तो इसमें कभी भी हादसा हो सकता है। तो मैं नगर पालिका के प्रशासन से और जिन्होंने ये ठेका दिया है उनसे कहना चाहता हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी सही कराया जाए, ताकि कोई जनहानि ना हो। और ये एक मुद्दा अकेला नहीं है, कई ऐसे उदाहरण हैं नगर पालिका ने जिस आदमी को ये ठेका दिया है, खाली इसमें ये खाना पूर्ति एक लीपापोती की गई है। और एक अभी मेरे उसमें आए विचार में, एक अपने क्या नाम है, सीढ़ियाँ दोबारा से बनाई जा रही हैं, उस सीढ़ियों का निर्माण पहले भी कराया जा चुका था, अब दोबारा से उखाड़ कर दोबारा से बनाया जा रहा है, तो इसमें ये पैसा बर्बाद क्यों किया जा रहा है? आखिरकार क्या इसमें मिली भगत दिखाई नहीं दे रही? भ्रष्टाचार आपको दिखाई नहीं दे रहा है? तो मैं पुनः मीडिया के माध्यम से आप लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी इन दोनों मामलों को सुधारा जाए, और कभी भी इसमें हादसा हो सकता है, तुरंत इसको सही कराया जाए। ये पूरी पट्टियाँ यहाँ से गिरेंगी। शाम की 6 बजे घटना है, बच्चे इधर उधर खेल रहे थे गली में, अचानक ये कॉम्प्लेक्स की दीवार है, इसमें जो गेंद का पत्ता लगा हुआ है, अचानक दो पटिया नीचे गिर पड़ी, जिससे गाय के भी चोट आई है, बच्चे बाल बाल बचे हैं, और चलता फिरता रास्ता है, और दो पटिया और गिरने वाली हैं। ये अपने यार दोस्त जो पत्रकार हैं, जो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने बताया है। युवक को मगरमच्छ चंबल में खींचकर ले गया एसडीआरएफ की टीम तलाश में जुटी। बसई डांग बाड़ी की प्रमुख खबर। बसई डांग थाना प्रभारी मोहन सिंह ने बताया कि आज गांव भगतपुरा निवासी मंधीर पुत्र राम सिंह गुर्जर अपने पशुओं को चराने चंबल किनारे गया था, जहां प्यास लगने पर चंबल से पानी पीने पहुंचा तो घात लगाए बैठा मगरमच्छ उसे पकड़कर गहरे पानी में खींचकर ले गया। गांव वालों को पता चला तो उन्होंने काफी शोर मचाया तथा बसई डांग पुलिस को सूचना दी, जिस पर तहसीलदार बाड़ी पुरुषोत्तम लाल और बसई डांग थाना प्रभारी मोहन सिंह एसडीआरएफ की टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां चंबल में खींचकर ले जाए गए युवक की तलाश की जा रही है। समाचार लिखे जाने तक उसका कोई पता नहीं लगा है। एसडीआरएफ की टीम लगातार उसकी खोज में जुटी है, सभी अधिकारी मौके पर मौजूद है। आज दिनांक 10/3/2023 को ग्राम भगतपुरा के पास स्थित मोहन जी के मंदिर के पीछे चंबल नदी में मनधीर पुत्र राम सिंह गुर्जर निवासी भगतपुरा अपनी भैंसों को चंबल नदी के तट पर चराने के लिए गया हुआ था, जिसके द्वारा चंबल नदी में पानी पीते समय मगरमच्छ के द्वारा पकड़ लिए जाने के कारण चंबल नदी में खींच कर ले गया है। इस संबंध में पुलिस कंट्रोल रूम व उच्चाधिकारियों को सूचना दे दी गई है। मन थाना अधिकारी बसई डांग मौके पर मौजूद हूँ,
तहसीलदार बाड़ी व सफेद लिविंग्स की टीम के द्वारा उक्त व्यक्ति की तलाश की जा रही है, जिसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। सांसद किरोड़ीलाल के साथ किए गए पुलिसिया दुर्व्यवहार की हम कड़ी निंदा करते हैं। सुखराम कोली, धौलपुर की प्रमुख खबर। बछेड़ी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक एवं भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री सुखराम कोली ने वीरांगनाओं के साथ धरने पर बैठे राज्यसभा सांसद डॉ. किरोड़ीलाल मीणा के साथ राजस्थान सरकार के निर्देश पर पुलिस द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को लेकर खासा आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि पुलिस के इस कृत्य की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। शीघ्र गहलोत सरकार के इस कृत्य का राजस्थान की जनता जवाब देगी। आज डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी के साथ में जिस तरह से राजस्थान पुलिस ने अमानवीय कृत्य किया है और वह बहुत ही निंदनीय है, और उनके साथ जो एक राज्यसभा सांसद हैं और हमेशा से ही उन्होंने जन जन के लिए संघर्ष किया है, आज भी वो वीरांगना के लिए जिस तरह से संघर्ष कर रहे हैं और उनकी आवाज़ गूंगी बहरी और निकम्मी ये गहलोत सरकार नहीं सुन रही है, उस सरकार के इशारे पर जिस तरह से पुलिस ने उनके साथ अमानवीय कृत्य किया है, ये बहुत ही निंदनीय है। और गहलोत साहब, आज जिस तरह से किरोड़ीलाल मीणा जी संघर्ष कर रहे हैं, राजस्थान का प्रत्येक नागरिक उनके साथ है, क्योंकि किरोड़ीलाल जी ने हमेशा से आमजन के लिए संघर्ष किया है और आपकी पुलिस ने आपके इशारे पर जो कृत्य किया है ये बहुत ही निंदनीय है और हमें कड़े से कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री का पुतला फूंका, धौलपुर की प्रमुख खबर। अभिभाषक संघ धौलपुर द्वारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर चल रहे धरना प्रदर्शन के अंतर्गत शुक्रवार को अभिभाषक संघ के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार कुलश्रेष्ठ की अध्यक्षता में न्यायालय परिसर में मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार अशोक गहलोत के पुतले की शव यात्रा निकाली गई और गहलोत विरोधी नारेबाजी कर पुतला फूंका गया। अधिवक्ताओं में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू कराने को लेकर रोष देखा गया। इस अवसर पर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार कुलश्रेष्ठ ने कहा कि पूरे प्रदेश भर के अधिवक्ताओं में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर काफी रोष व्याप्त है। अगर शीघ्र सरकार ने एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पास नहीं किया तो अधिवक्ताओं का आंदोलन और भी उग्र हो सकता है। इस अवसर पर सचिव सुबोध शर्मा ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के आह्वान पर प्रदेश भर में विगत सप्ताह से चल रहे आंदोलन के अंतर्गत आज हमारे द्वारा पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर अधिवक्ता अतुल कुमार भार्गव, अमित कमठान, इरशाद खान, रिजवान अहमद, हरिओम शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, धर्मेंद्र सिंह गुर्जर, ओमवीर सिंह गुर्जर, महेंद्र सिंह गुर्जर, अशोक अग्रवाल, मुकेश शिकरवार, महेश ठाकुर, आरिफ हमीद खान, रिपुदम सिंह, पप्पू गुर्जर, भगवती झा मुख्य रूप से उपस्थित थे। धौलपुर से एडवोकेट रंजीत दिवाकर की रिपोर्ट। युवराज सिंह चौहान की जो निर्मम हत्या की गई थी, उसके बाद अधिवक्ता समुदाय एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करने लगा। उसके लिए हमने 48 कार्यस्थगित कर रखा है और ये निरंतर जारी है। सरकार हमें आश्वासन दे रही है कि हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर देंगे, लेकिन हमें सरकार पर अभी विश्वास नहीं है। इसलिए आज हमारे द्वारा मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत का सांकेतिक पुतला निकाला गया और उसका अंतिम संस्कार भी दाह संस्कार एवं संस्कार न्यायालय परिसर धौलपुर में किया गया। यदि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होता है तो अधिवक्ता समुदाय आगे भी ऐसे ही हड़ताल रखेगा और विरोध प्रकट करेगा। अवैध हथियार के साथ सरमथुरा पुलिस ने एक किया गिरफ्तार, सरमथुरा की प्रमुख खबर। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में संपूर्ण जिले में अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कांस्टेबल अनिल कुमार की सूचना पर सरमथुरा थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार लेकर घूमते हुए झिरी हल्लूपुरा रोड से टोपीदार देसी बंदूक एमआई गन लेकर घूमते हुए मुलजिम चंद्रभान पुत्र गणपत मल्ला निवासी बटेश्वर थाना सबलगढ़ जिला मुरैना मध्य प्रदेश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। मुलजिम को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा के साथ राजवीर सिंह, हेड कांस्टेबल अनिल कुमार, समुन्दर सिंह, अभिषेक कुमार, संदीप शर्मा, अशोक कुमार कांस्टेबल शामिल रहे।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर के निर्देशानुसार अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह के दौरान आज पंचायत समिति राजाखेड़ा में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता तालुका विधिक सेवा समिति राजाखेड़ा की अध्यक्ष श्रीमती अनु यादव द्वारा की गई। शिविर में रिसोर्स पर्सन साहब सिंह व राजेश कुमार द्वारा भी उपस्थित होने वाली महिलाओं को विधिक जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर न्यायिक मजिस्ट्रेट राजाखेड़ा श्रीमती अनु यादव ने महिलाओं के विधिक अधिकार, बच्चियों के बाल विवाह, घरेलू हिंसा, समानता का अधिकार, PNDT एक्ट, एसिड अटैक के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की। शिविर में सामाजिक कार्यकर्ता प्रमोद शर्मा द्वारा भी उपस्थित होने वाली महिलाओं को महिलाओं की विधिक अधिकारों व लोकल क्षेत्र में होने वाली समस्याओं के विषय पर चर्चा की। अंत में सभी को किट व प्रचार प्रसार सामग्री का वितरण किया गया। इस अवसर पर ब्लॉक विकास अधिकारी राकेश सिंगल, महिला बाल विकास अधिकारी अवनीश कुमार, विशाल गोयल, पैरा लीगल वॉलंटियर दिलीप सिंह शिविर में उपस्थित रहे। बता दूं आपको, मैं भी हूँ जिस पोस्ट पे मैं हूँ ना, वहाँ पे 70% लड़कियां हैं आज की डेट में। तो पहले वाला टाइम गया जब एक दो और अब नहीं है, और उसके लिए आप ही अपने आप जिम्मेदार रहेंगे। अगर पढ़ाएंगे बेटियों को तभी कुछ हो पाएगा। बचपन में शादी कर देंगे तो शादी गुनाह, ये समझ लीजिए। देर जाना पड़ता है माता पिता के पास शादी करा दी तो, जानते हैं ना ये भी, अगर यहाँ से कहीं सूचना मिलती है तो सीधा जेल। और आप समझते हैं कि खत्म, परिवार सुधर जाएगा, सुधरता नहीं है, बिगड़ता है। जब तक उसको उतनी समझ ही नहीं है वो क्या करेगी, कौन सा दूसरा परिवार चलाएगी। इस चीज को समझिए आप लोग। बालिकाओं का जो प्रतिशत रहता है, चाहे 10th का बोर्ड हो चाहे 12th का बोर्ड हो, उसमें बालिकाओं का प्रतिशत सर्वाधिक रहता है। तो क्या कारण है कि हमारी महिलाएं और स्त्री जाति पिछड़ रही है? तो इसके लिए ही हम आज ये जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जो सप्ताह है, जिसके अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बैनर तले आज आप सभी को यहाँ सादर आमंत्रित किया गया है। तो मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि आप जहां भी रहें, जिस पद पर भी रहें, पद कोई छोटा नहीं होता, कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता, व्यक्ति। घायल बालक के परिजनों ने पुलिस के साथ की अभद्रता, सरमथरा की प्रमुख खबर। उपखंड के बड़ा गांव में गुरुवार सुबह सरमथरा थाने के पुलिस कर्मियों के साथ अभद्रता का मामला सामने आया है। थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि गुरुवार सुबह करीब 8 बजे सूचना मिली कि बड़ा गांव के पास एक कार ने 12 वर्षीय बालक को टक्कर मार दी है, जिसमें बालक घायल हो गया है। सूचना के आधार पर सरमथरा थाना पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा और मौके पर देखा कि घायल बालक दिलकुश के परिजन कार चालक के साथ मारपीट करने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर पुलिस जाप्ता द्वारा ग्रामीणों से समझाइश की गई। तो घायल बालक के परिजन पुलिस जाप्ते से उलझने लगे और ग्रामीणों द्वारा पुलिस के साथ अभद्रता की गई और राजकार्य में बाधा पहुंचाया गया एवं पुलिस को ऐलानिया धमकी दी गई, जिस पर पुलिस ने मौके से विजेंद्र मीणा उर्फ बच्चा पुत्र भगवान सिंह उम्र 27 वर्ष, मुकेश पुत्र भगवान सिंह एवं महेंद्र पुत्र भगवान सिंह को मौके से ही धारा 151 में गिरफ्तार कर लिया और मौके से घायल बालक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लेकिन उक्त तीनों व्यक्तियों द्वारा घायल को अस्पताल में भर्ती कराने में बाधा पैदा की जा रही थी और पुलिस के साथ अभद्रता भी की गई, जिस पर पुलिस ने धारा 353 और 332 IPC में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। सरमथरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। हाँ सर, क्या मामला है? आज सुबह करीब 8 बजे के करीब हमें सूचना मिली थी कि बड़े गांव के पास हाईवे पर एक एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें एक कार ने एक 12 वर्षीय लड़के को चोटिल कर दिया है। इस पर हम सूचना पर मैं जाप्ता के पहुंचे तो वहां जो घायल दिलकुश था लड़का, उसके परिजन वहां थे। उन्होंने वहां पे उन जो एक्सीडेंट करने वाले लोगों को रोक रखा था और उनके साथ वो मारपीट करने की कोशिश कर रहे थे। इस पर जाप्ता ने समझाइश की तो वो जो वहाँ के उसके परिजन थे वो पुलिस जाप्ते से उलझने लगे और पुलिस जाप्ते में राजकार्य में बाधा पैदा की, उलझलूल बातें की, जिसमें पुलिस जाप्ते को भी ऐलानिया धमकी दी, जिस पर मौके से हमने विजेंद्र उर्फ बच्चा पुत्र श्री भगवान सिंह जाति मीना उम्र 27 साल एवं मुकेश पुत्र भगवान सिंह एवं महेंद्र पुत्र भगवान सिंह, इन तीनों को मौके से ही अंतर्गत धारा 151 में राउंड अप कर लिया है और मौके पर घायल को हॉस्पिटलाइज करा दिया। चूंकि उक्त व्यक्तियों द्वारा घायल को हॉस्पिटल कराने में भी बाधा पैदा की जा रही थी और पुलिस मुलाजमानों के साथ मिसबिहेव किया गया था, इस संबंध में थाने पर
अंतर्गत धारा 332 353 IPC में उक्त लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ कर दिया है। अभी मौके पर शांति है। जेंडर ऑडिट गतिविधि के अंतर्गत जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान का हुआ आयोजन। धौलपुर की प्रमुख खबर, जेंडर ऑडिट गतिविधि के अंतर्गत जिला स्तरीय उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार 2022-23 का आयोजन मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कृष्णा कुमारी के मुख्य आतिथ्य एवं ADPC मुकेश कुमार गर्ग की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में CBEO दामोदर लाल मीणा, ACBEO सविता सिंह एवं व्यवस्था में प्रभारी एवं कार्यक्रम अधिकारी समग्र शिक्षा महेश कुमार गोयल, कार्यक्रम अधिकारी बालिका शिक्षा KK गर्ग उपस्थित रहे। जिला स्तर पर चयनित 20 शिक्षक, ब्लॉक स्तर पर चयनित 10 शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मान प्रदान किया। जिला स्तर पर 2500 रूपए का चेक, मोमेंटो, प्रशस्ति पत्र एवं शॉल उड़ाकर सम्मान किया। जिला स्तर पर सम्मान प्राप्त करने वालों में उप प्राचार्य अतुल कुमार चौहान, व्याख्याता भगवान सिंह मीना, शिक्षक जय सिंह सिकरवार, धर्मवीर सिंह धौर्य, उप प्राचार्य अशोक कोठारी, करुणा शर्मा, माता प्रसाद, विजेंद्र सिंह, जावेद खान, गोपाल प्रसाद, पारस राम, अरुण कुमार तिवारी, सुस्मिता, रश्मि राव एवं राजू सेन, भूपेंद्र कुमार शर्मा, सत्येंद्र यादव, KGVP मरैना की रश्मि कौशल, जयसिंह जाट, ललित मित्तल का सम्मान किया। ब्लॉक से ब्रजमोहन शर्मा, आचार्य शिव पूजन शर्मा, आशु शर्मा, मंजू जादौन, मोहर सिंह तोमर, राजेश माहेश्वरी, सुरेंद्र कुमार रावत, चंचल राजपूत, दुर्गावती राणा, भूप सिंह परमार का सम्मान किया गया। ब्लॉक स्तर पर 1000 रूपए का चेक, प्रशस्ति पत्र व मोमेंटो भेंट कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम के अंत में प्रभारी कार्यक्रम अधिकारी समग्र शिक्षा महेश कुमार गोयल ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर लेखाधिकारी राकेश कुमार गर्ग, कार्यक्रम अधिकारी KK गर्ग, राजेंद्र प्रसाद शर्मा, अम्बा शंकर चौधरी, बलवीर सिंह राणा, RP लोकेंद्र सिंह, समग्र शिक्षा अभियान के दिलीप शर्मा सहित अन्य उपस्थित रहे। मैंने पहले भी कहा था आपको, जो जेंडर संबंधित चीजें हैं उनको तो महेश्वर जी पास विचार है, इनके प्रश्न नंबर पर जो काम किया हो, इनके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में आपने अपने विद्यालय के विकास का जो कार्य किया है उनको मेरे पास विश्वास है, चाहे मैं ईमेल कर रहा ADPC का प्रश्न नंबर पर। जिला कलेक्टर मैंने कहना यह कि ऐसी कक्षा जिस स्टोरी को तैयार करके एक हम पुस्तिका प्रकाशित करेंगे जिसमें 20-25 लोगों के विद्यालयों के कार्य किए उनको हम प्रकाशित करेंगे। हमारे जिला के द्वारा अधिकारी बैठे हुए हैं, ये आपसे बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है। सम्मान पैसे से नहीं होता है, सम्मान हृदय से होता है, परंतु इसके साथ ही जो भी आपको आज पारितोषिक दिया जा रहा है पूरी मन और निष्ठा के साथ हमारे गोयल साहब है, तो मैं अपनी पूरी जिला टीम और हमारे जो अधिकारी हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को हिरासत में लेने से नाराज समर्थकों ने किया धरना प्रदर्शन। गहलोत सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी, सरमथना की प्रमुख खबर। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को हिरासत में लेने के बाद किरोड़ीलाल समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा और समर्थकों ने बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर सरमथना कस्बे के बड़े तिराहे पर धरना प्रदर्शन कर अशोक गहलोत का पुतला दहन कर रोष व्यक्त किया और समर्थकों द्वारा किरोड़ीलाल के साथ दुर्व्यवहार मामले में दोषी पुलिसकर्मियों को सजा दिलाने एवं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को रिहा करने की मांग की गई। किरोड़ीलाल समर्थकों द्वारा धरना प्रदर्शन की सूचना मिलते ही सरमथना थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा मय पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचे और समर्थकों से समझाइश की। किरोड़ीलाल समर्थक राजवीर मीणा ने बताया कि किरोड़ीलाल मीणा सर्व समाज के नेता हैं और अभी हाल ही में पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों की वीरांगनाओं के साथ वो जयपुर में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तभी पुलिस के द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जो गलत है। अगर डॉक्टर साहब को रिहा नहीं किया गया तो आगे की रणनीति तैयार कर और उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। इस दौरान बहादुर पहलावत, विश्राम सिंह, जल्दीश मीणा, BL मीणा, प्रेम सिंह मीणा सहित बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। सरमथना से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। आज इस 36 कौम के नेता, संघर्षशील जन नेता आदरणीय बाबा डॉक्टर किरोड़ीलाल जी को जो इस वीरंगनाओं की विरोधी, दीनहीन गरीब की विरोधी, युवाओं की विरोधी, इस नकारा निकम्मी अशोक गहलोत की सरकार ने जो हम सबके लाडले आदरणीय बाबा का जो अपमान किया है, जो बाबा को बर्बरतापूर्वक गिरफ्तार किया है और पुलिस ने जो बाबा के साथ दुर्व्यवहार किया है, उसके विरोध में समूचे राजस्थान में ये धरना और विरोध प्रदर्शन जारी है और जब तक बाबा का सहसम्मान सहित उनको रिहा नहीं किया जाता और जो दोषी पुलिस वाले उनको सस्पेंड नहीं किया जाता, जब तक समूचे राजस्थान में ये विरोध और धरना प्रदर्शन जारी रहेंगे।
अशोक गहलोत को हम बता देना चाहते हैं कि 36 कौम का नेता है डॉक्टर जोड़ीलाल, यदि उसको खरोंच भी आई तो इस राजस्थान को ला देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। अशोक गहलोत तुमने बहुत बड़ी गलती की है, पुलिस प्रशासन तुमने बहुत बड़ी गलती की है, बाबा का अपमान करके, वीरंगनाओं का अपमान करके, ये आप पर भारी पड़ने वाला है। मैं अशोक गहलोत को सीधे शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि आपने जिस प्रकार से जननेता के साथ जो दुर्व्यवहार किया है वो कतई निंदनीय है, ये किसी प्रकार से हमको बर्दाश्त नहीं होगा। आने वाले समय में अशोक गहलोत को करारा जवाब देंगे। राजस्थान का एक ब्लॉक स्तर पर शिक्षकों को CBEO के द्वारा किया सम्मानित, बछेड़ी की प्रमुख खबर। ब्लॉक स्तर पर चयनित शिक्षकों को पुरस्कार स्वरूप 1,000 रुपए नगद, प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो प्रदान किया गया। इस अवसर पर सभी शिक्षकों ने ब्लॉक कार्यालय के विकास हेतु नगद 25,000 रुपए की राशि दान दी। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजेंद्र मीणा एवं ब्लॉक संदर्भ व्यक्ति रमन लाल कटारा ने सभी दानदाता शिक्षकों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में नीलकमल जादौन, देवेंद्र शर्मा, शिव कुमार शर्मा, जितेंद्र रानोलिया, डालचंद्र, लोकेंद्र परबार एवं रोहित आदि उपस्थित रहे।